हम जब भी कभी सफर करते हैं तो पीने के पानी को लेकर बहुत सी समस्याएं होती हैं। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए अब उत्तर रेलवे प्रशासन खुद वाटर वेंडिंग मशीनों को लगा रहा है। आपको बता दें, उत्तर रेलवे प्रशासन चारबाग रेलवे स्टेशन और वाराणसी जंक्शन पर 15-15 मशीनें लगाने जा रहा है। चारबाग रेलवे स्टेशन पर कुल 9 प्लेटफॉर्म हैं, जिन पर 2-2 मशीनें लगाई जाएंगी। चारबाग रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को 2 रुपए में शुद्ध और सस्ता पानी मिलेगा। शुक्रवार को उत्तर रेलवे प्रशासन ने रेट लिस्ट जारी कर दी है। चारबाग रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को फिर से सस्ता मिनरल वाटर उपलब्ध होगा। वाटर वेंडिंग मशीन से बिना बोतल के 2 रुपए में 300 ml मिनरल वाटर मिलेगा। वहीं बोतल लेने पर 3 रुपए देने पड़ेंगे। एक हफ्ते में ये सुविधा शुरू हो जाएगी। रेलवे बोर्ड के निर्देश पर साल 2016 से 17 में भी चारबाग लखनऊ जंक्शन सहित मंडल के कई स्टेशनों पर वाटर वेंडिंग मशीनें लगाई गई थी। भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम यानी IRCTC के पास इसकी जिम्मेदारी थी। यात्रियों ने इस सुविधा को काफी पसंद किया था, लेकिन बाद में मशीनों को बंद कर दिया गया। अब रेलवे प्रशासन खुद वाटर वेंडिंग मशीनों को लगा रहा है। उत्तर रेलवे प्रशासन चारबाग रेलवे स्टेशन और वाराणसी जंक्शन पर 15-15 मशीनें लगाने जा रहा है। चारबाग रेलवे स्टेशन पर कुल 9 प्लेटफॉर्म हैं, जिन पर 2-2 मशीनें लगाई जाएंगी। इससे रेलवे स्टेशन पर रोजाना आने जाने वाले करीब 1 लाख यात्रियों को राहत मिलेगी। बता दें, IRCTC जिन वाटर वेंडिंग मशीनों को चलाता था, यात्रियों के पास बोतल या गिलास होने पर 1 रुपए में 300 ml पानी दिया जाता था। वहीं गिलास लेने पर 1 रुपए और देने पड़ते थे, लेकिन अब 1 रुपए की जगह 2 रुपए में 300 ml पानी दिया जाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि पानी का रेट क्या होगा। 300 ml पानी आपको 2 रुपए में मिलेगा। अगर आप बोतल लेते हैं तो उसके लिए आपको 3 रुपए देने होंगे। 0.5 लीटर पानी 3 रुपए में, अगर आप बोतल लेते हैं तो उसके लिए आपको 5 रुपए देने होंगे। 1 लीटर पानी 5 रुपए में, अगर आप बोतल लेते हैं तो आपको 8 रुपए देने होंगे। 2 लीटर पानी 8 रुपए में, अगर आप बोतल लेते हैं तो आपको उसके लिए 12 रुपए देने होंगे। वही 5 लीटर पानी आपको 20 रुपए में मिलेगा, अगर आप बोतल लेते हैं तो उसके लिए आपको 25 रुपए देने होंगे। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल प्रशासन वाटर वेंडिंग मशीनों को ठेकेदारों को देगा। पेयजल उपलब्धता, साफ सफाई और आपूर्ति की दिक्कतें दूर करने का काम ठेकेदार देखेगा। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय यूपी उत्तराखंड।